गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अपने चैनल पुरीनी निखिल। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जोग फॉल। एक्चुअली जोग फॉल के दो रास्ते हैं, अभी हम एक रास्ते पे आए हैं। तो बस अभी सुबह के बज रहे 7 और सुबह का नज़ारा देखने में बिल्कुल भीड़ नहीं, यहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं, कुछ नहीं। पता नहीं, कुछ गेस्ट हाउस है शायद से इस साइड में, तो वही अभी गेस्ट हाउस। और ये देखिए इस साइड में आवाज इतना जोरों का आ रहा है ना, अभी एक्चुअल पता चलेगा कि क्या दिखता है जोग फॉल क्या है। पर शायद से मज़ा तो आने वाला है, इस ट्रिप का बिगिनिंग ही बहुत ही बढ़िया होने वाली है। दो साइड से हम देखेंगे वाटरफॉल जोग फॉल। पहले हम एक साइड आए, इधर से कुछ 3-4 पॉइंट्स, 2-3 पॉइंट दिखते हैं, सब उन्होंने बताया। ओह माय गॉड, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अभी आप मजे से कैमरा घुमाऊंगा और आप देखोगे ना, यू विल, अभी आप भी देख रहे होंगे, एक नंबर, यानी कि अमेजिंग है, अमेजिंग है, अमेजिंग। मैं आपको बता नहीं सक रहा हूँ कितना मुझे अच्छा फील हो रहा है इस नीचाना, इस वाटरफॉल को देखते हुए, और बहुत ही ऐसा बढ़िया नज़ारा है। अभी आप जो देख रहे हो सामने, ये जोग फॉल का पूरा व्यू है। पहले एक्चुअली हम जब अभी देखे थे तो उस साइड से देखे थे, ये देखा ना, पहले तो शॉर्ट्स उस साइड से लिए, फिर अभी इस साइड से आपको शॉर्ट्स ले रहा हूँ। घूम के आना मतलब उस साइड से, और उस साइड से ये होटल भी दिखता है, और हमने इस यहाँ पे आकर हमने ये फॉल लिए, ये हमको नहीं दिखता है प्रॉपर, ये और ये दोनों तीनों दिखते हैं। गाइस, अभी जस्ट हम जब जोग फॉल से निकले तो हम प्रवासी होटल में, और ऐसे जाएंगे तो वहाँ से मणिगिरी निकलने वाले, तो भी आपको नेक्स्ट स्टॉप हम मिलेंगे रिजर्वायर पे, और फिर वहाँ से डायरेक्ट फिर आगे करेगा ड्राइव समीर डायरेक्ट मणिगिरी। Thank you.
अभी अभी हम पहुंच चुके हैं साहू हकलूज रिजर्वायर डैम के वहां पे, लेकिन यहां पे मैं आपको कुछ भी शूट नहीं कर पाऊंगा, बस मैं आपको मैं दिख रहा हूं और एक 10-15-20 फीट की विजिबिलिटी है, बाकी कुछ नहीं। डैम इसके पीछे है, उस साइड में रिजर्वायर है, यहाँ पे जो गार्ड्स हैं उन्होंने ऑलरेडी बोला है कि कैमरा अलाउड नहीं है, तो बस उन्होंने बोला कि यहाँ पे आपको जो शूट करना हो कर लीजिए। और अभी अपने धन्नो रोड बहुत ही, एक्चुअली मैप गलत बताता है तो थोड़ा पूछ के आइए जब भी आप, और हो चुका है ड्राइविंग का, रात पूरी नाइट, फिर मॉर्निंग में थोड़ा सोए थे, देन सब कुछ करते करते अभी हम साहू हकलूज पहुँचे हैं। और ये बहुत ही खतरनाक ऐसा रास्ता है, अगर आप पीछे देखोगे इस साइड में कुछ भी नहीं दिखता है और कुछ भी नहीं, रास्ते में कोई बताने के लिए भी आपको नहीं मिलता, तो थोड़ा बहुत जो लैंग्वेज बैरियर की वजह से भी दिक्कत आती है, देख के आना पड़ता है। लोकल लोग हैं, कुछ कुछ बता देते हैं कि साइड में, लेकिन उनको भी हिंदी नहीं आती है, सबसे एक दिक्कत का काम हो जाता है, तो आपको उनके लैंग्वेज में ही समझना पड़ता है। डैम बोल सकते हो आप, साहू हकलूज रिजर्वायर नहीं लेकिन डैम बोल के आ सकते हो। मैप गलत ही रास्ता बताता है, मैप जिस रास्ते से पहले ही 2-3 किलोमीटर पहले ही आपको राइट की तरफ जाना पड़ता है, अगर आप जोग फॉल से आ रहे हो, अगर आप इधर मणिकरी साइड से आ रहे हो तो आपको फिर लेफ्ट साइड में जाना पड़ता है। तो बस सभी यही है नज़ारा, और ये कुछ डॉगी लोग हर जगह पे आ ही जाते हैं, और ये बोर्ड है यहाँ पे प्रोहिबिटेड, तो इसके आगे नहीं जा सकते, लेकिन गार्ड है उस तक, तो उस तरफ में जाके आता हूँ। तो अभी मिलता हूँ आपको अगले स्पॉट पे, टेक केयर। अपन जो आए थे देखने के लिए साहू हकलूज रिजर्वायर, तो ये है वो, एक्चुअली यहाँ से पानी आगे जाता है और यहाँ पे फॉग था, तो जस्ट अभी क्लियर आउट हुआ है और आपको चलो वीडियो में देखने का मौका मिल रहा है। और बहुत ही ऐसा बढ़िया, ये यहाँ पे इग्निशन ACC ऑफ, और ये है ऐसा कुछ, अभी यहाँ पे जब पानी पड़ेगा तो इस जैसे यहाँ से नीचे पूरा पानी आएगा, ऐसा बेस्ट नज़ारा दिख रहा है यहाँ पे। रास्ता भटक गए और अभी हम ऐसे लोकेशन पे आके खड़े हैं कि आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया ऐसे लोकेशन है, और देखिए छाता हमारा जा रहा है ऊपर, और ये है लोकेशन, इस लोकेशन पे आके अभी मैं शूट कर रहा हूँ। और रास्ता भटकने के नतीजे भी कभी कभी अच्छे होते, और मेरी छाता जा रहा है। पता नहीं कौन से रास्ते से हम आ गए, लेकिन अभी ढूंढ रहे, एक्चुअली रेंज भी नहीं है यहाँ पे और नेटवर्क ही नहीं सर्च कर पा रहे, तो मैप बार बार गलत बता रही है। डैम का इधर से साइड में वो पानी है, और इस साइड में बैक वाटर, तो अभी शायद से पानी बहुत ऊपर तक आता है, देखना पड़ेगा। अभी जाते हैं ऊपर, मिलते हैं नेक्स्ट स्पॉट पे। नेक्स्ट स्पॉट क्या है, स्पॉट ही स्पॉट है यार, यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल 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 रोड है, जोग फॉल टू सावे हकलूज डैम, एंड देन अभी हम जाएंगे मणिकरी की तरफ, यहाँ से और 6 घंटे का रास्ता है भाई। शाम को मणिकरी चेक इन करेंगे, आराम करेंगे, और फिर कल निकलेंगे आगे के प्रयास के लिए। तो अभी चलो मिलते हैं रास्ते में, अगर ऐसा ही कुछ नया मिलता है तो। तो गाइज फाइनली आज का सेकंड डे टूवर्ड कर्नाटका, तो आज ब्लॉग एंड करने का वक्त आ चुका है। अभी बज गए हैं 11 और हम 10 बजे पहुँचे थे होटल पे, होटल का ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हुआ, ट्रिबो हमने फाइनल कर दिया। आपको पता है ट्रिबो अच्छा ही होटल है, और एक जगह पे देखा था, लेकिन यहाँ पे हमको बहुत ही अच्छा डील मिला, तो हमने ये फाइनल कर दिया। 2 रूम अच्छे से हमको यहाँ पे मिले, और अभी बहुत थका हुआ, तो शायद अभी थोड़ा सा खाना मंगाया, खाना खा के हम सो जाएंगे, फिर कल की जर्नी वापस से स्टार्ट करनी, तो कल इतना नहीं होगा, मणिकरी अच्छे से एक्सप्लोर करना है ऐसा डिसाइड किया है। तो जो हमें 2 रूम मिले हैं अभी, इस काइंड ऑफ इस एंट्री, यहाँ पे थोड़ा सा हॉल का एक दिया है यहाँ पे, फिर एक रूम आपको हमने दिया है इधर, एक रूम दिया है, और अच्छा खासा स्पेस है, इस साइड में बाथरूम वगैरह है, और इधर इधर एक रूम दिया है, ये भाई साहब लगे हुए हैं, ये दोनों एसी रूम है, अच्छा डील भी अच्छा मिला है, टॉयलेट बाथरूम एवरीथिंग इज फाइन। तो अभी तभी गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सी यू, स्टे ट्यून, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड मोटिवेट मी फॉर द मोर वीडियोज, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ सेफ जर्नी।